भाई भाई देखो हम कितना अच्छा खेल रहे हैं। आज तो हम पक्का जीतने वाले। अभी तुम क्या जीतेगा मुझे देखो, मैं तो गोल तक पहुंच चुका हूँ। अरे अरे तुम लोग पहले बातें आपस में मत करो, पहले तो जीत लो। कौन जीतने वाले हो? तो दोस्तों अभी जो आपने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा, अगर आप भी इस प्रकार का कॉमेडी कार्टून शॉर्ट्स वीडियो को बनाना चाहते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाले कि कैसे आप भी इस प्रकार का कार्टून शॉर्ट्स एनिमेशन वीडियो को बना सकते हैं एंड अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी के टाइम पर कॉमेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है एंड शॉर्ट्स वीडियो का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते तो इस प्रकार का वीडियो बना करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कैसे आप भी इस प्रकार का वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल पे एंड तक बने रहना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है सर्च बाय इमेज एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल सा सर्च करना है 2D कार्टून कैरेक्टर। तो दोस्तों जैसे ही आप 2D कार्टून कैरेक्टर को सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर आ जाएगा। तो चलिए हम इस कार्टून कैरेक्टर को ले लेते हैं। यहाँ पर से किसी भी कार्टून कैरेक्टर को आप ले सकते हैं। जैसे कि इसको डाउनलोड करना है तो आप इस पर भी आकर के यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर से सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने एडिट या फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर से आने के बाद आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो को आपने अभी डाउनलोड किया एंड उस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको ड्रॉ पे क्लिक कर लेना है एंड ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको इस प्रकार से जूम कर लेना है एंड दोस्तों यहाँ पर से आपको इनका कलर मैच कर लेना है एंड कलर मैच करने के बाद आपको सिंपल सा इसको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ये जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, इस प्रकार से ये सारा हट जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इसका माउथ हट जाएगा, आई हट जाएगा, आईब्रो हट जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर से इसको इस प्रकार से इरेज कर देना है एंड यहाँ पर से जो है इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ हट चुका है, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर से सेव इजीली कर सकते हैं। सेव होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फिर से आना है सर्च बाय इमेज एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पर से आपको एक बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना जो कि हो जाएगा दोस्तों कार्टून बैकग्राउंड। तो आपको सिंपल सा कार्टून बैकग्राउंड सर्च कर लेना है एंड यहाँ पर से किसी भी कार्टून बैकग्राउंड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आपको अपना काइन मास्टर को ओपन कर लेना है एंड काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो भी रेशियो में आपको वीडियो बनाना है उस रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर से आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बैकग्राउंड को लेना है जो आपने अभी डाउनलोड किया है। चलिए हम उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए हम इस बैकग्राउंड को ले लेते हैं एंड यहाँ पर से आप इसको करना है फुल स्क्रीन पे। तो एक कुछ इस प्रकार से पेन एंड जूम पे क्लिक करके यहाँ पर से इजीली में यहाँ पर से इसको इस प्रकार से पेन एंड जूम करके बड़ा कर लेना एंड इसके बाद इसके साइज को जहाँ तक आपको रखना है वहाँ तक इसको बढ़ा लेना है। तो चलिए हम इनको बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर को लाना है। तो मीडिया पे आना एंड उस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है जिस कैरेक्टर को अभी आपने पिक्सआर्ट से सही किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरेक्टर आ चुका है एंड यहाँ पर से इसको इस प्रकार से बड़ा कर ले। अब यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन का यूज हम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है एंड यहाँ पर से एक ग्रीन स्क्रीन जो अभी हमने डाउनलोड किया उस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर से ले लेना है एंड ओके पे क्लिक करके इसका क्रोमा की एनेबल कर देना ताकि ये ग्रीन स्क्रीन हट जाए, सिर्फ इसका माउथ बचे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा दिए एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हो चुका है एंड अब देख सकते हैं इसके ग्रीन स्क्रीन का जो आवाज़ है वो बंद कर देते हैं, इसका माइक बंद कर देते हैं, अब ये बंद हो जाएगा एंड यहाँ पर से जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चलेगा, ये देख सकते हैं ये बोल रहा है। तो इसी प्रकार करके आप जितने भी कैरेक्टर का यूज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं और बैकग्राउंड जितना भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं एंड यहाँ पर से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। यहाँ पे आना और स्टार्ट वॉइस ओवर पे क्लिक करना एंड ये वॉइस ओवर होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एक और कैरेक्टर को हम ले करके आपको दिखा। तो दोस्तों अब यहाँ पर से हम दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका कैरेक्टर हो वो उस कैरेक्टर को यहाँ पर से ले सकते हैं इजी वे में। तो चलिए हम इस कैरेक्टर को ले लेते हैं एंड यहाँ पर से जो है इसको हटा देते हैं। अब ये वाला जो है इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये हट चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये इस प्रकार से इसको रख देना एंड इसमें भी ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लेना है। तो यहाँ पर से ग्रीन स्क्रीन इसका यूज कर लेना है। तो देख सकते हैं अब इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, इसका माउथ यहाँ पर आया तो अब इसको सीधा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको जैसे भी आपको ठीक लगे। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको भी एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा इसका छोटा मुंह कर लेना है।
तो देख सकते हैं ये बन चुका है। अब देख सकते हैं ये दूसरा, यहाँ पर से पहला कैरेक्टर एंड यहाँ पर से देख सकते हैं दूसरा कैरेक्टर आ चुका है, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार करके आप भी बना सकते हो एंड वॉइस ओवर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।